उगता है, सच की चोंच नोकीली है, सच इसलिए ताना रहता है, झूठ की तह खोखली है, फर्क करती नहीं तिनका, सब बराबर तोलती है, हो जितने मुंह उतनी बातें, कि सुर्खियां सच बोलती है, सच कहे, सच सुने, सच देखे, इंडियन आईज 24 न्यूज। We'll be right back.
ਕਿੰਨੀ ਚਟਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀ ਬਕਟ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਨੂੰ 25 ਚਟਾਈਆਂ, ਝਾੜੂ ਆ, ਬਾਲਟੀਆਂ, ਫਨੈਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਬਾੜ ਕਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਥਾ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਵਧੜ ਵਾਤੂ ਸੈਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮਨੇ ਸਕੂਲ ਕੇ ਲੀਏ ਚਟਾਈਆਂ, ਬਾਲਟੀਆਂ, ਫਨੈਲ ਕੇ ਬੋਟਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਵੈਸੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਿਸਕੁਟ ਔਰ ਝਾੜੂ, ਇਹ ਸਭ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਹਮਨੇ ਸਕੂਲ ਕੇ ਲੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਮ ਚਾਹਤੇ ਖੁਦ ਨਾ ਕੁਛ ਸਫਾਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚਟਾਈ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਭੀ ਜੋ ਹਮੇ ਮਦਦ ਕੀ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਮੇ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਮੇ ਉਹ ਸੰਕਟ ਮੇ ਜੋ ਇੱਕ ਕਾੜੀ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਦਦ ਰਹਿਤੀ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਆਪਣੇ ਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਕਾ, ਆਪਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਵਜੜ ਵਾਹਕੂ ਸੇਨੇ ਕਾ, ਹਮਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਬਹੁਤ। अभी जो 2019 का महापूर, तो सांगली और कोल्हापुर ज़िले में आके यहाँ का जनजीवन जो है वो बहुत ही विस्कलित हुआ है। अभी इधर जो नुकसान हुआ है खेती का, लोगों का, घरों का, वो कभी भी भर नहीं सकता। ऐसा प्रकार का नुकसान हो चुका है, लोग घर छोड़कर बाहर निकल चुके हैं। अभी गांव में ऐसी परिस्थिति है कि गांव में रहने लायक जगह नहीं है, लोगों के घर गिर चुके हैं, इसकी वजह से उनका खाने पीने का बहुत ही बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं, उनके खाने के लिए भी उनके पास कोई ये नहीं है, बचा नहीं है। इसलिए अभी ये टीम जो है अवजड वाहतूक सेना और महाराष्ट्र एसोसिएशन, इनकी तरफ से जो बड़ी तादाद से जो मदद मिल रही है हमें, इसकी वजह से बहुत ही राहत की बात है। इसकी वजह से हमारे वो एक थोड़े दिनों की बात छूट जाएगी। परिस्थितियां जैसे जैसे आएंगी उन पर जैसे कैसे काबू करना चाहिए, उसके बाद यहाँ की परिस्थितियां सुधरेंगी, लेकिन बहुत ही बड़ा नुकसान यहाँ गाँव के लोगों को उठाना पड़ रहा है। जब प्रारंभ में जो महापुर का ये चल रहा था, उसी वक्त कोई प्रशासन की कोई भी मदद नहीं मिली। यहाँ के लोग बाहर निकालने के लिए गांव के लोग ही यहाँ की मदद कर रहे थे, कौन सी मदद टाइम पर नहीं मिली, इसलिए बहुत ही गोंधल सा निर्माण हो गया और यहाँ के लोग बाहर निकलने के लिए जल्दी बाहर निकल कर बाहर गाँव छोड़कर बाहर गए। ये जो हमारी मदद के लिए अभी ये जो लोग आए हैं, इनका मैं हमारे गांव के ग्राम पंचायत और गांव के ग्रामस्थ जो सभी लोग हैं उनकी ओर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वहां से हमारे लिए ये जो मदद लाए, ये बहुत ही बड़ी मदद हमें मिली चुके हैं। गणेशवाड़ी और इसके आजू बाजू के चार गाँव में आज जो हम राहत लेके आए थे, महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन, अवजड वाहतूक सेना, द फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर और बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी, लगभग 10,000 लोगों को हमने ये राहत, जो भी हमारे से तिलफुल हुआ, हमने उनको ये उनकी मुसीबत में उनकी मदद करने की कोशिश की है। और हमको बड़ा ये गाँव वालों से सहयोग मिला है, उन्होंने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से जो भी हमारी तरफ से था वेट, उन्होंने उसको स्वीकारा है। हम चारों गांव के पूरे उनके सरपंच, पंचायत और उनके जो गांव के निवासी हैं सबका धन्यवाद करते हैं। अभी आपने सरपंच साहब के जुबानी सुना, किस तरह वो भावुक थे और किस तरह उन्होंने विवरण किया कि गणेशवाड़ी शिरुल डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर में जो आफत आई है लोगों में, 1200 परिवार हैं, आज इनके पास ना कोई कपड़ा है, ना लगता है, ना खाना है, कोई पीना है। कुछ लोग गांव छोड़ के चले गए हैं, कईयों के घर गिर गए हैं।
महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन, अवजड वातुक सेना, फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी ने अपना कर्तव्य समझा। जो गुरु ने हमारे शिक्षाएं दी हैं, हमारे बुजुर्गों ने शिक्षाएं दी हैं कि वंट छको, जो अपनी नेक कमाई है, ईमानदारी की कमाई है, उसमें से दसवंत निकालो। ये जो हमारे भाइयों पर आफत आई है, इनके हम साथ खड़े हैं, इनको हम सहयोग देने मुंबई से कम 9 गाड़ियां राशन की, और हमारे 125 वॉलंटियर्स जो कल से यहां पर पहुंचे हैं, इस पूरे एरिया की हमने रिखी की, और हमें ये समझ आई कि सबसे ज़रूरतमंद इलाका गणेशवाड़ी और इसके आजू बाजू में ही है, जिनको ज़रूरत है। और आज आप देख रहे हैं कि किस तरह हमारे 125 वॉलंटियर और सारा ही पदाधिकारी यहाँ पर एक सेवा करके जो हमारा कर्तव्य है वो निभा रहे हैं। ऐसे है कि जो हमारी अफजल वातुक सेना है और महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन है और जो हमारी बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कंज्यूमर सोसाइटी है, तीनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है कि जो पूर्वग्रस्त एरिया है वहाँ पर जाकर घर घर में जाकर लोगों को हम देंगे। जबकि हमें पिछले हफ्ते पता चला था कि काफ़ी सामान आ रहा है लेकिन इन तक पहुँच नहीं पा रहा है, वो सिर्फ कलेक्टर ऑफिस में जाके वहीं पर डंप हो रहा है, और एक्चुअल जहाँ पर पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचा, और किसी किसी जगह पर डबल ट्रिपल पहुँच चुका है। तो इसीलिए फिर हमारे जितने भी पदाधिकारी और बाकी लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं वो घर घर जाके लोगों को, जो एक्चुअल जिनको चाहिए वहाँ पर जाकर हम देंगे। इसलिए आज हम यहाँ पे आए। आपने भी देखा होगा कि कैसे यहाँ इस परिसर में कितना ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, और कितने लोग ऐसे, आप ये पूरा अगर आप वीडियो घुमाकर देखेंगे कि महिला बच्चे कि इनके पास पीने तक का पानी नहीं है, ऐसी इनकी परिस्थिति है, और अभी तक यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं है। और इसके बाजू में और 2-3 गाँव हैं, वो भी हम कल और परसों में कवर करेंगे। तो काफ़ी सामान हम लाए हैं और भी हम काफ़ी सामान जमा कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा ये ख़त्म होने के बाद फिर हम गाड़ियां भर के अगले हफ्ते फिर इसी तरह आके यहां पर सब सामान बांटेंगे, और हम लोगों को पूछ भी रहे हैं कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट है इनकी, क्या क्या जो मेन नीड्स हैं वो हिसाब का सामान अभी नेक्स्ट ट्रिप में हम लोग लेके आएंगे। ये ऐसी है कि मैं यहाँ पर कुछ हमारे लोग हैं यहाँ पर जो स्थानिक रहते हैं, हमने डिपार्टमेंट के पास जाना मुनासिब इसलिए नहीं समझा कि उनके पास जो डेटा है और उनके पास पूरे इंडिया से सामान आ रहा है। हमें जो हमारे यहाँ पे स्थानिक मित्र थे उन्होंने बताया कि कुछ गांव ऐसे हैं जिन पे 2-3 दिन पहले ही पानी नीचे उतरा है और वहाँ पर अब तक कोई पहुँचा नहीं है। तो हमने सबने यही डिसाइड किया क्यों ना फिर पहले वही एरिया पे जाया जाए जहाँ पर अब तक कोई गया नहीं और उन लोगों को राहत मिली जाए। अब हमने इनको एक राहत का अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा सामान दिया है, अब आहिस्ते आहिस्ते और भी सामान यहाँ पर पहुँचेगा, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि और गाड़ियाँ फटाफट मुंबई से मंगा के जितना भी हो सके यहाँ पर राशन बांटा जाए। अभी हमारे पास 5 गांव हमने जो सेलेक्ट किए हुए हैं जो सबसे ज़्यादा भी इफेक्टेड है और जो जहाँ पर अब तक कोई पहुँचा नहीं है। तो ये इसी 10 किलोमीटर की रेंज में गाँव है, ये गणेशवाड़ी से हमने स्टार्टिंग की है, और इसके बाद जो यहाँ पे कोटे कोलम करके गांव है उस तरफ जाना है, फिर एक इस तरफ एक खुर्द करके कोई गांव है वहाँ पर जाना है। ऐसे टोटल 5 गांव है हमने जो लोकेट किए हुए हैं। तो ये आज पहला गांव है, इधर आज फिनिश करके कल हम सेकंड गांव में जाएंगे तो, और परसों थर्ड गांव में जाएंगे, ऐसे पूरा फिनिश करेंगे। देखिए अभी तक हमने 25 लाख का राशन परचेज किया था टोटल, तो वो पहले हम पूरा बांट लेंगे, और हमारे लोग वहाँ पर मुंबई में जमा कर रहे हैं कि यहाँ जाने के बाद हम लोग देखेंगे वहाँ पर और कितना जमा हो गया, और जितना मैक्सिमम हो सका वो हम यहाँ पर अगले हफ्ते पे लेके आएंगे। आज शिवसेना उधर वातु सेना सिख महाराष्ट्र एसोसिएशन दोनों आए हुए, हम पूरी टीम आई है, हमारी कुल मिला के 110 लोगों की टीम है जो यहाँ पे कोल्हापुर सांगली तालुका जिले में जहाँ पे अब तक राशन पानी दवा कुछ नहीं पहुँची उस गाँव में हमने ढूंढ के आई यहाँ पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ हैं जिनको अभी तक कुछ मिला नहीं है, जो बाढ़ से पीड़ित हुए तो उनको सामग्री पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। अभी हमारे साथ टोटल 5-6 ट्रक हैं जिसमें राशन और हर चावल तेल दाल साबुन ब्रश कोलगेट बाल्टी तावल शक्कर चद्दर चटाई हर चीज़ हम लाए हैं। 25 से 30 लाख का सामान हमारे ट्रकों में भरा हुआ है, उसमें चावल दाल आटा शक्कर तेल मसाले हर किस्म की चीज़ है, प्लस साबुन कपड़े धोने का नहाने का ब्रश कुर्सी चेयर चटाइयाँ झाड़ू हर चीज़ के हर किस्म के लोग चीज़ें हैं। तो मेडिसिन है, डॉक्टरों की टीम है, आप देख सकते हैं एम्बुलेंस भी खड़ी है, हमने हर चीज़ यहाँ लेके आई है। नहीं अभी हम जब यहाँ से आ रहे थे नुकसान की भरपाई इतनी जल्दी तो भर नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा बोलो अब सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा। हम जब आ रहे थे एक ब्रिज था जिससे पानी आ 40 फुट
नीचे से ऊपर पानी आया तो ये बहुत मुश्किल है। जो 26 जुलाई आई थी मुंबई में उससे भी डबल 3 गुना ज़्यादा यहाँ बाढ़ आई थी, तो ये बहुत मुश्किल है भरपाई भरना। पर हम शिवसेना और शिवसेना अवगढ़ वातुक सेना महाराष्ट्र एसोसिएशन पूरी कोशिश कर रही है, हमसे जितना बन पड़े हम लोगों तक राशन कपड़े बर्तन मेडिसिन सब पहुँचा रहे हैं। नहीं नहीं, जहाँ जहाँ पे बाढ़ आई है मैं तो महाराष्ट्र शासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द यहाँ टीमें भेजे। हमने रस्तों के हाल देखे, बेहाल है सब, चीकड़ हाई मारी बहुत गंदगी है इधर, तो हमने रस्ते में कह देगा महानगर पालिका काम शुरू भी है। वैसे मैंने काफ़ी ट्रक रस्ते में और भी देखे अलग अलग संस्थाओं के, लोग बढ़ चढ़ के यहाँ पे आ रहे हैं हर जगह से, पूरी मुंबई और पूरे महाराष्ट्र से और देशों से, और यहाँ पे मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये लोग भी बेचारे बेघर हो गए देख के हमको बहुत अजीब लग रहा है, जिनकी रोजी रोटी सब जमी हुई थी एक बाढ़ ने इन सबको बर्बाद कर दिया। तो हमारा ये फ़र्ज़ है हिंदुस्तानी होने के नाते, महाराष्ट्र मुंबई का होने के नाते, जितनी मदद हम इनको पहुँचा सके पहुँचाएंगे। ये भी हमारे बीच के हमारे लोग हैं, जितनी कोशिश हम करेंगे। हम 4 दिन यहाँ रुकने वाले हैं, हमारे मुंबई में और सामान तैयार हो रहा है, वो कल रवाना हो जाएंगे वहाँ से, वो भी ट्रक यहाँ आएंगे। हम जितनी ज़्यादा मदद 4 दिन रुक के कर सकते हो करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अभी जैसे हमारे यहाँ के जो सरपंच साहब है उन्होंने बताया, हमारे चाचा ने बताया कि जो हमने जो ये मदद की है ये कोई मदद नहीं किया, ये हमारा फ़र्ज़ था इंसानियत के नाते और एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते। तो हमने ये कोई मदद नहीं की, इनका साथ दिया है, हम भी इनके बीच के, हम भी मुंबई करो महाराष्ट्र करें, हमने एक अपना एक कर्तव्य निभाया है। दूसरा इन्होंने बोला जैसे मेडिसिन, अभी हम मस्जिद के अंदर ही चालू है काम, हमारी डॉक्टर की टीम बैठी हुई है, टोटल मेडिसिन इधर आई हुई है, वो फ्री में है, उनको चेकअप हो रहा है, जिनको जो जो मेडिसिन लग रही है डॉक्टर साहब वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसके बाद जो भी चीज़ें लगेंगी, अभी शुरुआत फिलहाल राशन का काम चालू है, जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे सबको यहाँ पे बटने के बाद ही हम यहाँ से जाएंगे। जब तक पूरी पब्लिक ख़त्म नहीं होगी हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। हम इतना राशन इतना सामान लाए हैं कि सबको हम दे के कुछ ना कुछ मदद करके ही जाएंगे। अभियान तो हमने जैसे यहाँ हमने मुंबई में हमें पता लगा काफ़ी दिन से पानी था या हम आ नहीं पा रहे थे, लेकिन हमारे जो महासचिव हैं इन्होंने तैयारी उसी दिन से करके रखी थी कि हम यहाँ आए। और हम बहुत अच्छा महसूस क्यों कर रहे हैं कि हम खुद लोगों के बीच में आए, जिला अधिकारी से मिले, जिनको ज़रूरत है उन तक सामान पहुँचाया। हम वहाँ से मुंबई से बहुत सामान आ रहा है लेकिन हम ये भी देखना चाहते थे कि यहाँ पर पहुँच रहा है क्या नहीं। हम आए हैं और हमने ये हमारे साथ डॉक्टर भी है, एम्बुलेंस भी है, हम प्रथमोपचार भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं और घर घर तक सामान भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम मुंबई जाएंगे तो उसके बाद हमारे महासचिव हमारे अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पर फिर एक नए सिरे से तैयारी करके फिर कुछ गाँव हम देखेंगे कि जिनको राहत का सामग्री नहीं पहुँचे तो वहाँ भी हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस साल बहुत पानी आया था, यानी यहाँ के लोगों को जगह नहीं था रहने के लिए, इसीलिए लोग कहाँ मिलेंगे वहाँ चले गए। एक ही रास्ता था कागवर तरफ से जाने के लिए, वो एक ही रास्ते से लोग चले गए। मैं हमारे गांव के जो आंबे हैं ना नाव वाले, उन्हें एक बिल्ली या कुत्ता इनकी जान सब जने की जान बचाई। पानी से किसका घर चला गया है, किसका घर टूट गया है, एक एक लाख घर सब घर में के सामान भांडे वगैरह सब निकल के गए, बह के गए। और एक कपड़े धान्य बरस बरस के जो धान्य रहता है ना गेहूँ चावल वो भी गए सब। अभी तक क्यों पहली बार ही हो यो मदद? हाँ पहली बार हमको जो मेन रोड को मिल रही ना यो मदद वो पहली बार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती चाहती कि उन लोगों को धन्यवाद और उनको बहुत से बहुत ज़्यादा और ईश्वर दे और वो गरीबों की ऐसी ही सेवा करते रहते। मेरा नाम मचिंद्र सत्यप्पा शाहपुर है, गाँव रहने का गाँव में शेरशाह को, ये मेरे सामने घर सामने रहते नहीं, ये घर के आगे बाजू रहते, पड़ोसी में रहते। ऐसा हुआ है कि जब हम घर में रहने के लिए आते वहाँ 205 में भी पानी आया थे, उस तरह 4 फुट ज़्यादा आया गए, 4-5 फुट ज़्यादा आया, इसलिए हम सामान भी वो ऊपर रखा था ना उसके 2005 के ले क्या वो लेवल से हम सामान ऊपर रखे थे, बाद में वो उसके भी 5 फुट ज़्यादा बढ़े, वो सामान भी भिज गए, वो पैसा वैसा लेने का रोड नहीं है था, दो पैसा
ये गए ऐसा भाग गए पानी में। मट्टी का घर थे, वीट और भाजी वीट का, वो सब गिर गए, पत्थरा टूट गए ऊपर के, बहुत नुकसान हुआ है। और खाने का अन्न बिन क्या जारी है, अगर वो होता ना वो भी सब खत्म, पानी में डूब गया। नहीं नहीं वो क्या मालूम नहीं थे, वो क्या समझे भी नहीं। साल साल से पानी आता है, वो इतना पानी आता नहीं है। हमारे को बोट भी यहाँ मिले नहीं, हमको बोट भी मिले नहीं, नाव नहीं, कौन सा भी उपलब्ध हुआ नहीं, उपलब्ध हुआ नहीं। मदद क्या हुआ नहीं, आपके सामान ऊपर है क्या, और भाग गए और सब भैंसा वैसा छोड़ कर गए थे। बहुत पानी आया, वो चारा भी मिले नहीं, दोनों एक टाइम वहाँ बांध दिया था, वो भी जगह डूब गया, दूसरे जगह पर गए, बारिश भी ऊपर से पड़ रहे थे, ऐसा वो बहुत नुकसान हो गए। मेरा नाम सागर है, मैं आया हूँ मुंबई से, लेकिन मेरा गांव कराड़ है, सतारा जिला में आता है, लेकिन इधर हमको पता था पहले ही ऐसा ऐसा हुआ है, हमारे गांव में भी हुआ था ऐसा ही, लेकिन हमारे उधर कम हुआ है, लेकिन इधर कोल्हापुर सांगली में ज़्यादा हो गए, इसलिए हम इधर मुंबई से हमारा सब गाड़ी बीड़ी लेके आए इधर अपना उधर वातुक। नहीं नहीं अभी बारिश ही बढ़ा तो अभी कौन क्या कर सकता, नहीं अभी पानी का तो कोई आड़ा नहीं सकता है ना, इतना पानी बारिश हो गया जोर से, नहीं ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, किसको पता है इतना बारिश होगा, ऐसा बताने के लिए ऐसा तो कुछ हुआ नहीं ना, बता भी नहीं सकता ना इतना पानी बढ़ेगा। अभी 2005 में हो गया था, तभी से इतना कभी पानी भरा ही नहीं, तो अभी ये साल तो 2005 से ज़्यादा हो गया। अभी इधर सबका खेती गया है काम से, पूरा खेती में कुछ नहीं, घर भीर सबके डूब गए, अभी खाने के लिए घर में रहने के लिए कपड़ा नहीं, आंख पे लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं आदमी के पास। अभी इधर तो सब इधर उधर से आ रहे, बॉम्बे से आ रहे, किधर कराड़ सतारा सांगली बाहर बाहर से अभी बहुत आ रहा है, मुंबई से भी आ रहा है, अभी चालू है आने जाने का भी, बहुत मटेरियल आ रहा है इधर। सर सरकार का तो अभी पता नहीं, लेकिन जो आ रहे ना वो बहुत बड़े आदमी है, बस इतना बता सकता हूँ। इनको तो दुआ तो अच्छी मिलेगी, क्योंकि इतने टाइम पे आए, अभी ये टाइम पे तो कोई आता नहीं इतना, अभी ये छोटा गाँव इधर आए पूरा अभी अच्छे हो रहे। चलो मेरा नाम पद्मावती मथाइस है, मैं मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे साथ मेरे दो फ्रेंड्स मेरे कलीग आए हैं, एक कमलाकर चौहान करके, हम ये जो हमारे जो सिख एसोसिएशन के लोग हैं, हम अपनी तरफ से हमारी मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट की टीम, हमारे थोड़े से ग्रुप हैं जो हम इनके पुनर्वसन के लिए, हम इनके मदद के लिए थोड़े हमारे लोगों ने जो सहकार्य किया, हमारी छोटी सी टीम, हम तीन मेंबर्स यहाँ पर आए थे, हमारे साथ एक सुनील है जो महाराष्ट्र सुरक्षा बल से भी है, तो यहाँ पर आने के बाद हमारे साथ में एक सिख एसोसिएशन जो है उनके साथ हम ज्वाइंट हुए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी टीम है, तो हम उनको मदद दे रहे हैं, उनके साथ हम उनके काम में उनको सहकार्य कर रहे हैं, तो ये जो गाँव वाले पीड़ित लोग हैं इन लोगों की मदद के लिए हमारा ये छोटा सा हमारे मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा सहभाग है, थैंक यू। हम चाहते हैं कि जो जो उन्हें ज़रूरत है अभी इस वक्त, मेडिसिन है, कपड़े हैं, अनाज है, तो हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें देने के लिए। मैं सिर्फ देश के लोगों के लिए ये अपील करना चाहती हूँ कि आप आइए यहाँ की रियल स्थिति जो है, आप यहाँ के फैक्ट सिचुएशन को देखिए, और सिचुएशन को देखते हुए आपको अगर लगता है कि जो यहाँ पर ज़रूरतमंद लोग हैं आप उनकी मदद कीजिए। मैं बॉम्बे से आया हूँ, हमारे जो सहकारी अपना महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन और शिवसेना उजड़ वातुक सेना के तरफ से हम लोग यहाँ पे जो पूर्वग्रस्त लोग हैं उनकी सेवा करने यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे हम लोग ने मेडिकल का भी यहाँ पे सब चेकअप रखा है, हमारे सब डॉक्टर साहब वगैरह सब यहाँ से बॉम्बे से हम लोग आए हैं, और यहाँ पे लोगों का हम लोग इलाज कर रहे हैं, यहाँ पे दवा भी मुफ्त में दी जा रही है, और यहाँ पे जो गरीब लोग हैं जिनको अभी ये बाढ़ आई उसमें जो तकलीफ हुई उनके लिए हम लोग अनाज वगैरह सब हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और हेल्थ का अच्छा ये जो हमारे अध्यक्ष है इंद्रजीत सिंह बल साहब उन्होंने अच्छा यहाँ पे आयोजन किया है, उससे उसके लिए हम लोग यहाँ के गांव वालों का भी हमको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है, और हम लोग यहाँ पे पूरा दिन आज सेवा में बिताएंगे। हमारा अभी तक यहाँ पे हमारे यहाँ पे सर्दी बुखार खांसी इनके ज़्यादा मरीज है, और बॉडी पेन है, कोई कोई लोग को बदन में खुजली आ रही है, ये टाइप के बीमारियाँ ज़्यादा आ रही है। सर मैं विजयानंद माने हूँ, आउजड़ वातुक सेना का एक पदाधिकारी हूँ और शिवसेना का उपसर प्रमुख हूँ नवी मुंबई का। सर जी ये संस्था अभी बहुत सालों से काम कर रही है, और इनके माध्यम से आज हम यहाँ पर जो सांगली और
कोल्हापुर में पूर्व का परिस्थिति हुआ था उस आपातग्रस्त लोगों के लिए कुछ मदद होना चाहिए, ये सोचकर हमारे जो अवजड़ वातुक सेना के अध्यक्ष है इंद्रजीत सिंह बल साहब, उनके माध्यम से हम सभी लोगों को यहाँ पर कुछ ना कुछ मदद करने के लिए आए। महाराष्ट्र शिवसेना आणि अवजड वाहतूक सेना शीख संघटनेच्या वतीने आपल्या गावात जी मदत आली आहे ते अनमोल असं मदत आहे। आपल्याला अजून मदत लागते पण त्यापेक्षा दिलेल्या लोकांचा आम्ही इतका आभारी मानतो की टोटल महाराष्ट्रामध्ये जेवढं टोटल पूरग्रस्तासाठी महाराष्ट्र पूर्ण धावून आलेला आहे, आमच्या गणेशवाडीच्या कर्नाटक महाराष्ट्राच्या बॉर्डरवरती एकदम लक्षपूर्वक करून आपल्यासाठी पूर्ण लक्ष केंद्रित करून इथं कडेपर्यंत तुम्ही मदत करताय ह्यांचं पूर्ण किती आभार मानला तेवढं छोटंसंच आहे। आपल्या गावच्या वतीनं आणखी आपल्या ग्रामस्थांच्या वतीनं आपल्या भागातील सर्व गोर गरीब सर्वांना जे महापूरग्रस्त लोक आहेत त्यांचं वतीनं तुमचा पूर्ण आभारी आहे। त्याच्यानंतर इथं पीक इतकं नुकसान झालं आहे की 4-5 वर्षे किती शेतकऱ्यांचं नुकसान भरपूर काढलं तरी फार मोठं नुकसान झालेलं आहे, त्याचं मदत मिळावे, तलाठ्यांच्याकडनं व्यवस्थित सर्वे व्हावं, त्याच्यानंतर इथं पशूंचं फार हाल होतं आहे, पशुवैद्यकीय सेवा मिळावी, डॉक्टरांचं जरा सेवा परत कमी पडतं आहे, प्रत्येकांना लसीकरण काय असेल डोस वगैरे तेही पुरवत मिळावी, त्याच्यानंतर तुम्ही फार लांबून आवून आम्हाला सेवा दिल्याबद्दल पूर्ण धन्यवाद। आज हम बॉम्बे से कल सुबह चले थे यहाँ जो फ्लड इफेक्टेड एरिया है, फ्लड इफेक्टेड जो एरिया है यहाँ जो पब्लिक 2 दिन से पानी खाली हुआ है कोई नहीं पहुँचा था। हम लोग यहाँ से सिख एसोसिएशन महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन और शिवसेना उधर वातु सेने के माध्यम से यहाँ हम आए हैं। हम लोग कल से ये सब फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए काम करें, हमें ये मेडिकल कैंप जो रखा है यहाँ के लोगों के लिए जो मेडिकल कैंप किया है वो सभी ड्राइवर भाइयों का डॉक्टर भाइयों का जो डॉक्टर साहब लोग हैं और वो जिन्होंने एम्बुलेंस लाए वो सब एम्बुलेंस वाले ड्राइवर डॉक्टर सभी का हम धन्यवाद करते हैं शिवसेना अवजड वाहतूक सेना की ओर से। और हमें यह खुशी हो रही है कि ये 1000-2000 पब्लिक है उन्हें हम कुछ ना कुछ सपोर्ट कर रहे हैं शिवसेना अवजड वाहतूक सेना की ओर से, धन्यवाद। मैं गजानन गुरु शिरोही तालुका का तहसीलदार करके यहाँ काम कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से। इस साल शिरोही तालुका में कृष्णा पंचगंगा वारना और दूधगंगा नदी को जो बाढ़ आई महापुर आया उस महापुर में तालुका का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तालुका का 80% पॉपुलेशन जो है उससे अफेक्ट हुआ और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो खेती बाड़ी का हुआ है, लोगों के घरों का हुआ है। लोग अपने पहने हुए कपड़ों से बाहर निकले हुए थे, उनको अनाज उनके कपड़े उनके जानवरों का चारा ये सब देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं सेवाभावी संस्थाएं दानशु व्यक्ति आगे आए। आज महाराष्ट्र सिख एसोसिएशन शिवसेना अवजड वाहतूक सेना फेडरेशन ऑफ बॉम्बे मोटर्स ट्रांसपोर्ट एंड बॉम्बे ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव कंज्यूमर सोसाइटी के आप जो सब लोग यहाँ पे आए हुए उन्होंने मेरे तहसील के अंदर आए हुए 3 गांवों में लोगों को जो भी जीवनावश्यक सामग्री है घर में जो भी राशन अनाज उनके कपड़े उनका जो बेडिंग वगैरह मटेरियल है वो सब प्रोवाइड करके बहुत पुण्य का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। ये मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और मेरे तालुका प्रशासन से आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तालुका जो है वो बहुत ही डेवलप्ड है, एग्रीकल्चर भी बहुत ही डेवलप्ड है, 4 नदियां है, इरिगेटेड एरिया है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और ये खेती बाड़ी का जो नुकसान है उससे 5-6 साल तो पीछे गया है तालुका। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमें ये बाढ़ तो बीच बीच में आती रहेगी, हमें ये बाढ़ को फेस करने का कोई अगर माध्यम है फेस करने का कोई टेक्नोलॉजी है तो डेवलप करनी होगी। ये यहाँ के सारे लोग तो किसी दूसरी जगह पे हम माइग्रेट नहीं कर सकते, तो उसको फेस करने की ताकत मेंटल ताकत तो लोगों को देनी चाहिए और कोई नई टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में फार्मर्स को मिलनी चाहिए और उनके जो जानवर है उनके जो कैटल्स है उनके लिए भी अभी हम लोगों को बहुत सारे दे रहे हैं लेकिन जो बात नहीं कर पाते जो डिमांड नहीं कर पाते वो जानवरों का भी
हमें कुछ उनके लिए भी कुछ मदद करनी चाहिए। आप लोग जैसे हमारी सिस्टम के यंत्रणा के साथ मिलकर काम कर रहे तो हमें भी पता चलता है कि किस गांव में मदद पहुंची है, किस गांव में हमें पहुंचाना है। बाद में और भी कोई सेवाभावी संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी तो उनको उससे दिशा मिलेगी कि मुझे किस गांव में जाना चाहिए, किस गांव में अभी तक मदद नहीं पहुंची। तो गवर्नमेंट के सहयोग से अगर ये हो जाता है तो सभी जगह इक्वल मदद डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। तो मेरा ये निवेदन है कि सभी संस्थान से आप अकेले या गवर्नमेंट को बिना पता चले, आप तो काम पुण्य का ही कर रहे हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन होगा गवर्नमेंट और संस्था का तो सब लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट जितना भी कर सकते उतना गवर्नमेंट ने किया है, ये तो बहुत बड़ी आपदा है। तो ये खाली एक गवर्नमेंट मतलब उसमें कुछ हमारे जैसे इंसान ही बैठे, तो ये इतनी बड़ी आपदा है तो अकेला कोई भी इसको फेस नहीं कर सकता यार। तो इसमें सेवाभावी संस्थाएं भी मदद कर रही है, और पहले वाला जो रेस्क्यू का काम है, लोगों को जो फंसे हुए लोग थे उनको बाहर निकालना, उनको शेल्टर कैंप में दाखिल करवाना, उनके जो भी जानवर थे, कैटल्स थे, उनके लिए चारा जो इधर उधर से मिलता है वो फिर हमारे पास जो भी बोट थी वो सब बोटों से अंदर जहाँ लोग फंसे हुए थे वहाँ पहुँचाना, लोगों को पानी देना। हमारे यहाँ मिलिट्री आई हुई थी, कोस्टल गार्ड की टीम्स आई हुई थी, NDRF की टीम आई थी। इतना ही नहीं, हम नेवल एयरबेस एक कोल्हापुर में बनाया हुआ था, वहाँ से भी हम जानवरों का और लोगों का खाने का पीने का सामग्री जो है वो लोगों को दे रहे थे। ये काम भी गवर्नमेंट ने किया है, और इतनी बड़ी आपदा है तो सब लोग मिलकर करेंगे। इसमें मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया, ऐसा तो हम डिफर नहीं कर सकते। तो ज़्यादा इसके ज़्यादा प्रॉब्लम है खांसी, सर्दी, बुखार और ईचिंग, फंगल इन्फेक्शन जो है उसकी ज़्यादा पेशेंट्स है, और इनका इलाज अपने पास अच्छी तरह का मेडिसिन है उससे हम कर रहे हैं। ज़्यादा असर जो है बारिश का हुआ तो पानी का, वो सिरोल तालुका में हमने दो तीन जगह देखा, गणेशवाड़ी, भोगनार, अभी फिलहाल हम भोगनार में है, और एक दो तीन चार गाँव आसपास के जो है गणेशवाड़ी के बाजू में, वहाँ हमने इसका असर ज़्यादा देखा। तो उनका कहना मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है उनका, क्योंकि उनको जो मदद मिल रही है उस तरह की दवाई या जो भी ट्रीटमेंट है या जो भी सामान इस्तेमाल होता है उनको डायरेक्ट मिल रहा है ना, इसके लिए वो बहुत मतलब सेटिस्फैक्ट्री है। ये जो सहायता अपनी तरफ से है और तो कर रहे हैं, लेकिन और भी उनको जरूरत है, मतलब फसल वगैरह या घरों का जो नुकसान हुआ है उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से और उनको सहायता मिलना चाहिए। शिवसेना ये जो संगठन है, इस संगठन ने हमारे टालगांव पाठशाला को जो मदद की है उन्हें कुछ पानी की बोतलें और कुछ खाद्य पदार्थ दिए, इसके लिए हमारी पाठशाला और हमारे गांव के सभी लोग धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। धन्यवाद। गांव के लोगों की बहुत उम्मीदें थी, गांव में बहुत बड़ा बाढ़ आया था और इस बाढ़ में गांव में जो लोग रहते उनका जनजीवन पूरा बिखर गया था। ऐसे में गांव के लोगों को बहुत सहकार्य की उम्मीद थी। शिवसेना के पदाधिकारियों ने गांव के लोगों को, जिला परिषद प्राथमिक पाठशाला को, पाठशाला के सभी विद्यार्थियों को बहुत सहकार्य किया। उन्होंने कुछ पानी की बोतलें चटे और जो जीवनावश्यक की वस्तुएं उन्होंने मदद के तौर पर दी है, मैं सभी जनों का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं शिवसेना अवजड़ वाहतूक सेना का नवी मुंबई जिलाध्यक्ष हूँ। आज ये टाळगाव गांव ये मेरा खुद का गांव है। हमने तो आज तीन चार दिन से बहुत सारे गांव में जीवनावश्यक जो वस्तुएं थी वो सब गाँव में हमने दी, लेकिन मेरी आशा थी कि मेरे गांव के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो मैंने मेरे साहब को, अध्यक्ष हमारे इंद्रजीत सिंह बल, इनको बोल के कि मेरे गांव के लिए कुछ होना चाहिए। वहां पे पानी, बाढ़ आने की वजह से पानी की पाइपलाइन बह गई है और वहां पे पानी नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे गांव के लिए भी कुछ करिए। तो उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक पानी का बड़ा
कंटेनर ही हमारे गांव में भेज दिया और जो समस्या थी हमारी दो तीन दिन की वो उन्होंने पूरी की है। मैं उसके लिए मेरे गांव की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सांगली, कोल्हापूर आणि या ठिकाणी पुरामुळे अतिशय दयनीय अवस्था लोकांची झाली होती आणि त्यावेळेला आपल्या शिवसेना अवजड वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून आणि महाराष्ट्र शीख असोसिएशनच्या माध्यमातून संपूर्ण मदत त्यांना लागणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तू या सगळ्या देण्यासाठी आम्ही इंद्रजित सिंग बलसाहेब यांच्या माध्यमातून यांच्या या ठिकाणी आलो होतो। त्यावेळेला आम्हाला सुखदेव सिंग ज्यांचा या हा धाबा आहे, या धाब्याचं नाव आहे बाबा पंजाबी धाबा आणि त्यांचे चिरंजीव आहेत श्री जसबीर सिंग, त्यांना प्रेमाने गोल्डी म्हटलं जातं। ह्या लोकांनी आम्हाला येताना पण सगळ्यांना खूप काय अन्नदान या ठिकाणी केलं, आमच्या 150 लोकांना त्यांनी जेवण दिलं आणि आता जातानासुद्धा आम्हाला त्यांनी जेवण सगळ्यांना दिलेलं आहे आणि खरं तर आम्ही शिवसेना अवजड वाहतूक सेनेच्या माध्यमातून यांचे खूप आभारी आहोत। आम्ही लोकांची मदत करायला गेलेले असताना त्यांनी आमची मदत केली, त्यांचे आम्ही खरोखरच आभारी आहोत। धन्यवाद। Thanks for watching Indian Eyes 24 News. Please do subscribe our channel. Press the bell icon for future notifications. Click on the like button. Must do share the link. Thank you.